अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ा है जो कि आपके पास सी लैंग्वेज का फंक्शन था। सी आउट जो है आपके पास सी प्लस प्लस का फंक्शन है, सी लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस का तो आप प्रिंट एफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सी आउट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन सी प्रिंट एफ फंक्शन आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सी आउट जो है आप सी के फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि सी इज़ द सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज के सारे फंक्शन सी प्लस प्लस में मौजूद है। ठीक है, द सी आउट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम सी प्लस प्लस में द आउटपुट ऑन द स्क्रीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग सी आउट। सी आउट इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका क्लास मौजूद है, आयो स्ट्रीम क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज़ यूज अलॉन्ग विद इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट, और उसके बाद हम ये इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट करता है, डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, इंसर्ट करता है। ठीक है, सिंटैक्स इसका क्या है, जनरल मतलब रूल इसका क्या है, सी आउट वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन है, एक्स वेरिएबल है, टू वैल्यू है, मतलब ये भी हो सकता है इसका आउटपुट भी वो डिस्प्ले करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा। वेरिएबल में अगर टू पड़ा है, थ्री पड़ा है, वो भी डिस्प्ले करेगा। टू कांस्टेंट है या स्ट्रिंग कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट, उन सब को सी आउट डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, वेयर द वेरिएबल कैन बी एनी वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन आल्सो बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो कांस्टेंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट 1, 2, 3 हो सकता है, करेक्टर कांस्टेंट मतलब एक आप सिंगल कोट में लिख ले तो वो भी हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट अपने नाम को डबल कोट्स में लिख ले वो भी कांस्टेंट है। तो तीन किस्म के कांस्टेंट आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब जब आप कोई फार्मूला लिख ले एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो उसकी वैल्यू भी ये डिस्प्ले करेगा, वैल्यू उसकी क्या वैल्यू आ रही है वो डिस्प्ले कर लेगा। अच्छा, अब उसके बाद है स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर, अ मैसेज आर एनी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर मतलब कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर या मैसेज, उसको भी डिस्प्ले करने के लिए सी आउट फंक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू शो द सम प्लस एडिशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आयो स्ट्रीम जो कि क्लास है, आयो स्ट्रीम में सी आउट और सी इन ये दोनों फंक्शन के डिफिनीशन मौजूद है। तो अगर आप सी आउट और सी इन इस्तेमाल करेंगे तो आप आयो स्ट्रीम डाटेच को अपने प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड करोगे। ठीक है, अगर आपने सी इन सी आउट इस्तेमाल किया और आपने हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया तो प्रोग्राम सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। कौन है डाटेच, मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हमने सम और प्रोडक्ट दो नंबर का मालूम करना है, तो हम जानते हैं कि हमें जितने वेरिएबल की ज़रूरत होगी वो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। सम को रखने के लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत है, प्रोडक्ट को रखने के लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इंटीजर ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 22, सी, ठीक है। अब प्रोडक्ट को भी हम क्या कर लेंगे, या तो डायरेक्ट या फिर पी आप डिक्लेयर कर लें, इन्होंने सिर्फ सी डिक्लेयर किया। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल एड एंड मल्टीप्लाई टू नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए दिस प्रोग्राम विल एड इन, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। हु बहू डबल कोट्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं आउटपुट स्क्रीन पे वो हु बहू उसी तरह नज़र आएगा। उसके बाद सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्सप्रेशन है, द सम ऑफ ए
एंड बी इज, याद रखिए ये डबल कोट में लिखा है तो ये आपके पास स्ट्रिंग कंसर्न है। वेरिएबल को आपने कभी भी डबल कोट में नहीं लिखना ना सिंगल कोट में। अब एंड जो है, अच्छा, और हर एक वेरिएबल का अपना इंसर्शन ऑपरेटर है, हर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का अपना इंसर्शन ऑपरेटर है। इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे स्ट्रिंग कांस्टेंट का इंसर्शन ऑपरेटर ये है, ए का इंसर्शन ऑपरेटर ये है, एंड का इंसर्शन ऑपरेटर ये है, बी का ये है, इसका ये है, और आखिर में एंड लाइन मतलब सेकेंड लाइन, दूसरे लाइन में चले जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, ये इन्होंने डायरेक्ट किया है, हालांकि हम ऐसे कर सकते हैं जिस तरह c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक वेरिएबल कॉमा लगाएंगे p, ठीक है, और यहाँ पे p इज इक्वल टू ए स्टेरिक b, ठीक है, स्टेरिक इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, फिर यहाँ पे क्या आता, p आता, इसलिए कि p में हमने a स्टेरिक b डाला, ठीक है, और ये इसका आउटपुट देखें। The sum of 15 and 22 is 37. The product of 15 and 22 is 330. ठीक है, और आखिर में आप ये देखें कि गेच और जो आपके पास लास्ट जो ब्रेकेट है वो आप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।